मैं सुबह शाम जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। बलहीन का सहारा पापियों का दोस्त है यीशु, तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। इस अच्छे समय के धन्यवाद करते हैं। अब कुछ वचन देखेंगे, उत्पत्ति 27वां अध्याय 28वां वचन ऐसे कहते हैं, परमेश्वर तुझे आकाश से ओस और भूमि की उत्तम से उत्तम उपज और बहुत सा अनाज और नया दाख मधु दे। बहुत सारे आशीष इसमें भरा हुआ है। हम प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद परमेश्वर इस वचन कहते हैं, आशीषवा भरा हुआ वचन है। ये पूरे वचन का आशीर्वाद सुनने वालों को जाने दो परमेश्वर, सुनने वालों अनुभव करने दो परमेश्वर, सुनने वाले को सिर में जाने दो परमेश्वर, सुनने वाले को परिवार को जाने दो परमेश्वर। गुलाम को छुपा कर आप प्रकट कीजिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हम इधर देखते हैं, परमेश्वर तुझे आकाश से ओस, जब आकाश से ओस गिरता है उस जमीन अच्छा हो जाता है और क्लाइमेट चेंज हो जाता है। अपने देश में हमें आकाश का ओस जब पड़ते हैं तो रात में अच्छा ठंडी पड़ता है, उधर अपने को यानी हीट नहीं महसूस करता है, यानी पसीना नहीं आएगा, थोड़ा अच्छा रहेगा। तो ये वो उस परमेश्वर इधर आशीर्वाद करने वाला जो पाते हैं, याकूब पाते हैं, उन तो उनको कहला गया है, परमेश्वर तुझे आकाश से होश और भूमि के उत्तम से उत्तम उपज। ये उत्तम से उत्तम उपज क्या होता है? फर्स्ट क्वालिटी होता है। हम आज फर्स्ट क्वालिटी देखेंगे तो एप्पल में, फ्रूट में, अनाज में पहला जो उत्तम उपज है वो अच्छा रहता है और उसमें कीड़ा नहीं रहता है, खाने में अच्छा टेस्ट मिलता है। तो ये उनको दिया गया है उत्तम से उपज और बहुत सा अनाज और नया दाग मधु तुझे दे। तो आशीष करने वाला उनके बेटे को ऐसे कहते हैं, पहला ओस और उत्तम उपज और नया दाग मधु। ये चीज ऐसा होता है, दाग मधु अच्छा तंदुरुस्त लाने वाला है, उत्तम उपज अच्छा अच्छा बल लाने वाला है और ओस भी अच्छा आशीष लाने वाला है। पाने वालों को परमेश्वर ये देते हैं। और उतना ही नहीं है, 29वां वचन में भी कहते हैं, राज्य का लोग तेरे अधीन हो और देश के लोग तुझे दंडवत करे। तू अपने भाइयों का स्वामी हो और तेरे माता के पुत्र तुझे दंडवत करे। जो तुझे शाप देवे आप ही शापित हो और जो तुझे आशीर्वाद देवे आशीष पाए। बहुत सारे इतना आशीर्वाद भरा हुआ है। राज्य के लोग तेरे अधीन हो, अधिकार मिलता है। इधर जो आशीर्वाद पाते हैं उनको परमेश्वर अधिकार देते हैं। जिसका पास अधिकार रहेगा वो राज करेगा। अब एमएलए, एमपी, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और बड़े धनवान और काउंसलर, ये सब अधिकार पाए हुए लोग हैं। उनके अधिकार में क्या होता है, वो सबके ऊपर राज करते हैं, उनके जो एरिया के ऊपर राज करते हैं। तो इधर पाने वाले के लिए परमेश्वर जो आशीष करते हैं वो ऐसा लिखते जाते हैं। पहले अनाज और धाकमूद के बारे में लिखा है। ये धाकमूद है, ये बहुत अच्छे हैं और ये उपज भी है, बहुत बदन के लिए बहुत अच्छे हैं। और उतना नहीं है, राजे लोग तेरे अधीन है। ये कैसा अधीन होएंगे? काम करने वाला अपना जो मालकिन को अधीन रहेगा और जो अपने देश में अपने पॉलिटी के अंदर अपन अधीन है। इधर लिखा है, तेरे को लोगों तेरे अधीन हो, सुनने वाले आपके अधीन होंगे और देश के लोग तुझे दंडवत करें। बहुत सारे आशीर्वाद पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है, हमको दंडवत करेंगे, आपको दंडवत करेंगे और भाइयों को स्वामी हो और तेरे माता के पुत्र को दंडवत करे, सब लोग हमको दंडवत करेंगे। देश के लोग दंडवत करेंगे, अपने भाई हमको दंडवत करेंगे। और उतना ही नहीं है, सुनने वाला आपको कोई शाप देंगे तो जो देने वाला ही शापित होएगा।
आज बहुत सारे इधर श्राप देते हैं तो जो सुनने वाला श्राप हो जाता है, लेकिन इधर लिखा हुआ है आपको मेरे को जो परमेश्वर को यीशु मसीह का प्रजा यीशु मसीह का विश्वास करने वाले को जो श्राप देते हैं वो श्रापित हो जाएगा, और जो तुझे आशीष देते हैं वो आशीष पाए। कितना बड़ा आशीर्वाद है। हमको आपको कौन आशीष करेंगे? अपने माँ पिताजी अपने का बहुत चाहने वाले आशीष करते हैं, लेकिन इधर पवित्र शास्त्र में लिखा है जो कोई तुम्हें और मेरे को आशीष दे वो आशीषदायक होंगे, जो कोई आपको मेरे को श्राप देते वो श्रापित होंगे। ये सब आशीर्वाद किसको मिलता है, इसका वजह क्या है? उत्तम उपज, दाक मधु, अधीन देश देश के दंडवत करेंगे, और जो आपको श्रापित देंगे वो श्रापित हो जाएगा, जो आपको आशीर्वाद करेंगे वो आशीर्वाद पाएंगे। ये किसको मिलता है अगर हम देखते हैं, वही उत्पत्ति में, उत्पत्ति 32वां अध्याय में लिखा हुआ है ये आशीर्वाद कैसा मिला याकूब को, ये आशीर्वाद कैसा मिला। उधर लिखा हुआ है 32वां अध्याय 24वां वचन में ऐसे लिखा है, ये आशीर्वाद पाने का लायक कैसा हुआ याकूब, और याकूब आप अकेला रहा गया, तब कोई पुरुष आकर वो फटने तक उससे मल्लयुद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता तब उसके जात की नस को छुआ। इधर याकूब का ऊपर एक जन भल मल्लयुद्ध करते हैं, याकूब एक जन को ऊपर मल्लयुद्ध करता है, और वो कहते हैं तब उसने कहा मुझे जाने दे क्योंकि मैं बोर होने वाला है। याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा। आप परमेश्वर से ऐसे प्रार्थना किए हैं? जब जब आपको समय मिलता है आप ऐसा प्रार्थना किए हैं? पवित्र शास्त्र में हम देखें उत्पत्ति के 27वां अध्याय 28-29वां वचन में पूरे आशीर्वाद भरा हुआ है, जीवन में क्या क्या चाहिए उसमें भरा हुआ है। उत्तम उत्तम उपज, दाक मधु, ओस और अधीन रहने का, ये सब कब मिलेगा? हम अकेले तेर जब जब हमको समय मिलता है, अकेला रह गया, जब जब हम अकेला रह जाते हैं तब परमेश्वर को ढूंढना चाहिए और परमेश्वर से मल्लयुद्ध करना चाहिए। जैसा मल्लयुद्ध करने वाला दो जन झगड़ा करते हैं और एक जन दूसरे के ऊपर ज्यादा ताकत दे रहा मार कर उसको जीत लेता है, वैसे ही हम प्रार्थना में ज्यादा जोर लगाना चाहिए और ज्यादा अब परमेश्वर को जोर से आवाज से प्रार्थना करना चाहिए और दिल लगाकर प्रार्थना करना चाहिए। उधर लिखा है जब उसने कहा मुझे जाने दे, जब आप प्रार्थना करना शुरू होते हैं परमेश्वर का दूत आपके पास आ जाते हैं, और ज्यादा प्रार्थना करते करते आप जाते समय परमेश्वर ही आपका जगह में आ जाते हैं, वैसे ही याकूब का पास आ गया। उसने कहते हैं मेरे को जाने दो, उतना प्रार्थना करता है याकूब। याकूब अच्छा प्रार्थना करने वाला इंसान है, अच्छा प्रार्थना करने वाला इंसान को आशीर्वाद भरपूर मिलेगा, अच्छा उपवास करने वाले को आशीर्वाद भरपूर मिलेगा। इधर वैसे ही लिखा है जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा। आप ऐसे प्रार्थना कीजिए आज से, अभी तक आप ऐसा नहीं प्रार्थना करे किए तो अभी से शुरू कीजिए। जब तक मुझे तू आशीर्वाद नहीं करेंगे तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। प्रार्थना में ही पढ़ लेना चाहिए। जब इंसान बच्चे लोग पढ़ता है तो कोई कोई बच्चों को मैं देखता हूँ सुबह पढ़ता है, रात को पढ़ता है, सुबह 5 बजे उठ के पढ़ता है, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। ऐसे आपको मेरे को आशीर्वाद करना चाहिए, प्रार्थना 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 प्रार्थना, मैं तुम्हें जाने न दूंगा, वैसे ही प्रार्थना करना चाहिए, मैं तुम्हें जाने न दूंगा। तो उसने कहा तेरा नाम क्या है? परमेश्वर आपसे कहते हैं तेरा नाम क्या है, उसका मतलब क्या है? याकूब उसके नाम है। याकूब का अर्थ क्या है? वो फंसाने वाला इंसान है, उसके अर्थ है ना फंसाने वाला इंसान। अभी तेरे नाम याकूब नहीं है, आपको आशीर्वाद चाहिए। आपके नाम क्या है? आपकी आदत क्या है? किसी से फंसेते हैं क्या? आप फंसाते हैं, किसी को धोखा देते हैं। इधर लिखा है याकूब तेरा नाम नहीं, उससे कहा तेरा नाम क्या है? उसने कहा याकूब। उसने कहा तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल। इज़राइल का अर्थ ये है आशीर्वाद पाया हुआ इंसान,
ब्लेस्ड इंसान ह्यूमन, इसराइल का नाम है आशीर्वाद पाया हुआ इंसान। आपको परमेश्वर आशीर्वाद पाया हुआ इंसान के दौर से बात करते हैं। आशीर्वाद पा लीजिए। याकूब को परमेश्वर ने आशीष किया, उनके पिता ने आशीष किया, वैसे ही आपको भी ये आशीर्वाद मिलेगा। उत्पत्ति का 27वां अध्याय 28-29 वो सब आप पढ़िए, उसमें लिखा है, पूरे आशीर्वाद लिखा है, वो याकूब का मिलता है। याकूब ने क्या किया, माँ बाप को अधीन रहा, माँ बाप का आज्ञा पालन किया। आप भी माँ बाप के आज्ञा पालन करते हैं? उसके भाई था, माँ बाप के आज्ञा पालन नहीं किया, खाना में उसमें ज्यादा फड़ा था उसके भाई, ऐसा उसको आशीर्वाद नहीं मिला, बल्कि याकूब का मिला। उसका नाम इसराइल बना दिया परमेश्वर ने। आपको भी परमेश्वर इसराइल बनाएंगे, आशीर्वाद पाया हुआ इंसान करेंगे, काम धंधों को आशीष की करेंगे। आप क्या करना चाहिए, परमेश्वर को पकड़ना चाहिए। परमेश्वर आपको कहना कहेंगे, जाने दे मुझे, जाने न दूंगा आप बोलने का, जाने दे बोलेंगे। जब तक प्रार्थना करेंगे परमेश्वर आपके साथ में रहेंगे। जब जब समय मिलेगा तब तक प्रार्थना करना चाहिए, परमेश्वर से हक से बोलना चाहिए, मेरे को आशीष कीजिए। कौन हक से मांगेगा? बच्चे पिता से मांगेंगे, बच्चे माँ से मांगेंगे, बच्चे अपने को कौन अच्छा प्रेम करता है उससे हक से मांगते हैं। हकदार, वैसे ही हम भी हकदार हैं, आप भी हकदार हैं परमेश्वर मांगने के लिए। मांगना चाहिए, मुझे आशीष करो परमेश्वर, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर उसको आशीष किया, परंतु इसराइल होगा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? तब उसने उसको ये वही आशीर्वाद दिया। परमेश्वर आपको भी आशीष करेंगे। आप किसी को फंसे देगा वो धंधा छोड़ दीजिए, फंसने वाला धंधा नहीं चाहिए, फंसने वाला काम नहीं चाहिए, दूसरे को फंसाने वाला काम नहीं चाहिए। हमारा आपके नाम आशीर्वाद भरा हुआ इंसान, आपके नाम आशीर्वाद भरा हुआ इंसान इसराइल। परमेश्वर ने आपको बदला दिया, परमेश्वर ने आपको नया बना दिया। इसके लिए आप विश्वास से वो पा लीजिए। हम अभी प्रार्थना करेंगे। मेरे प्रिय परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, अच्छे समय के धन्यवाद करते हैं। सुनने वालों को आशीष कीजिए। याकूब का आपने आशीष किया, दाक मधु ओस बहुत सारे जन ने अधीन था, तो आप वैसे आशीर्वाद दें। सुनने वालों को आशीष कीजिए। और पवित्र शास्त्र में देखते हैं, जब वो अकेला था तब परमेश्वर को ढूंढा और प्रार्थना किया, और परमेश्वर बोला मुझे जाने दो। उतना वो परमेश्वर को पकड़ के रखा था। हाँ, जब हम प्रार्थना ज्यादा करते हैं, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा, हम परमेश्वर को पकड़ के रखते हैं, रुका के रखते हैं। परमेश्वर बोला मुझे जाने दो, उसने कहा मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, जब तक आप मेरे को आशीर्वाद नहीं करेंगे तब तक मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। हाँ, भी हक से मांगिए परमेश्वर से, जो कोई आपको चाहिए हक से मांगिए, मेरे को देव परमेश्वर, परमेश्वर आपको देंगे, आपको शरीर में अच्छा बल देंगे, शरीर में चंगाई देंगे। जो जो सुनने वाले शरीर में तकलीफ है, यीशु मसीह के नाम से बाहर जाओ, प्रेशर लो हायर, जो जो बीमारी है शरीर में, यीशु मसीह के नाम से बाहर जाओ। जो अभी सुनते हैं आंख बंद कर प्रार्थना करते हैं, उसको छू लीजिए परमेश्वर, उनको आशीष कीजिए परमेश्वर, उनको काम धंधा को आशीष कीजिए। जो कोई हृदय में सोचते हैं बोझ है, उसको हटाइए, पवित्र कीजिए, बीमारी को हटाइए, उठाइए परमेश्वर। आप ऐसे ही कीजिए, यीशु मसीह के नाम से मांग